जी देखिए, आज आपको दांतों के लिए बता रहे हैं तो दांत के लिए ये रामबाण है। अगर आपका दांत फूल रहा हो, जैसे मसूड़ा फूलने लगता है, दांत में खुजली खुजली सा होने लगता है या दांत से ब्लड आने लगता है, उन सभी चीज़ों के लिए सबसे बेस्ट है। दांत में दर्द हो हल्का तो भी ये ठीक करेगा। लोग जल्दी डॉक्टर के पास भाग रहे हैं और डॉक्टर अपना जो है हाथ बनाने के लिए RCT कर रहे हैं, 4-4, 5-5 हज़ार रुपया ले रहे हैं। 1-2 महीने 4 महीने के बाद फिर वो भी दांत जो है बेकार हो जा रहा है। तो दांत में कीड़ा लगने से पहले आप ये उपाय कीजिए और दांत को बिल्कुल स्वस्थ बनाए रखिए। ये देखिए, यहाँ ये गेर है, ये जड़ी बूटी के दुकान पे कहीं भी मिल जाएगा। ये काला नमक है और ये है ये हल्दी लिए हैं यहाँ 1 चम्मच। ये बिल्कुल घर का हल्दी है और ये लौंग है 8-10 पीस और हम लिए हैं और थोड़ा सा ये देखिए फिटकरी लिए हैं। आप देख सकती हैं कितना कितना मात्रा है, 10-10 ग्राम, 10 ग्राम ये होगा और 10 ग्राम ही फिटकरी भी है। इस तरह से आप ये 5 चीज़ ले करके इसको बारीक पीस लीजिए, सिलबट्टे पे पीसिए या इस दोनों को तोड़ करके मिक्सी में भी फाइन पीस लीजिए और बिल्कुल इसे सुबह और शाम उंगली से करना है, ब्रश से नहीं, उंगली से कीजिए। और इस मंजन का फायदा देखिए, बहुत ही लाभदायक होता है। हम करके देखे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं, अपने ऊपर हम प्रयोग किए हैं इसका और आगे भी करेंगे। आप भी वीडियो देख करके जरूर कीजिए। तो बिल्कुल हम इसको फाइन पीसने जा रहे हैं। तो देखिए ये लाल मंजन बिल्कुल बन के रेडी है। इसको ज़्यादा नहीं, सुबह और शाम इतना लीजिए और इसको हाथों से मसूड़ों पे और दांतों पे मलिए। दांत भी चमक उठेगा और जो ब्लड आता है या बदबू आता है मुँह से वो कुछ भी नहीं रहेगा। बहुत ही फायदेमंद दवा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि ये फ़ायदा सभी लोग उठा सकें।